अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले बाय निदा फाजली। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज अ लेसन दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे। इट्स टेकन फ्रॉम ग्रेड 10 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक स्पर्श भाग दो। सो टू स्टार्ट विद द लेसन चिल्ड्रन, दिस टाइम व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट मोस्ट ऑफ यू यू विल बी हैविंग द एग्जाम इन द एमसीक्यू पैटर्न। सो आई पर्सनली सजेस्ट दैट सिंस इट्स एमसीक्यू, प्लीज गो थ्रू द लेसन वेरी वेल, understand each and every line, then you know you can almost score full marks in MCQ, because understanding the lesson, who said what, and all such things, it can be answered very well once you're thorough with the lesson. So please understand each and every lesson that you're going to get in the exam very well. Bible case Solomon, jinhe Quran mein Suleiman kaha gaya hai, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। सोलोमन ऑफ बाइबल हु इज नोन एज सुलेमान इन कुरान, ही वाज अ किंग इन 1025 बीसी। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। इट इज सेड दैट ही वाज नॉट ओनली द किंग ऑफ ह्यूमन रेस, बट ही वाज आल्सो द प्रिंस और द बॉस of all small and big animals. Hakim means prince, or you can say boss or master. वह इन सब की भाषा भी जानते थे। He knew the language of these birds and animals as well. एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। Once Suleiman was passing through a particular way along with his army. लश्कर means army. रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा। The way through which he was passing, on that way there were some ants. So, when they heard the sound of the hoofs of the horses, they started speaking to each other. आप जल्दी से अपने बिलों में चलो। All of you fast get into your holes or burrows. फौज आ रही है, द आर्मी इज कमिंग। सो दीज एंट्स दे थॉट दैट दीज आर्मीज दे विल जस्ट ट्रैम्पल देम। घोड़ों की टापों की आवाज चिल्ड्रन, इट मींस द साउंड ऑफ द हूव्स ऑफ द हॉर्सेस। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए। नाउ सुलेमान अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, सो ही हर्ड दीज एंट्स टॉकिंग एंड ही जस्ट स्टूड एट अ डिस्टेंस और चींटियों से बोले। एंड ही स्पोक टू द एंट्स, घबराओ नहीं, डोंट बी स्केयर्ड। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। गॉड हैज मेड सुलेमान एवरीबॉडी सेवियर। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। आई एम नॉट अ ट्रबल फॉर एनीवन, आई एम लव फॉर एवरीबॉडी, दैट इज आई लव एवरी क्रीचर ऑन दिस अर्थ। मुसीबत मींस ट्रबल। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। हियरिंग दिस द एंट्स वर वेरी हैप्पी एंड दे प्रेड टू गॉड फॉर हिज वेलनेस, एंड सुलेमान अलोंग विद हिज आर्मी ही जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन। हियर मंजिल मींस डेस्टिनेशन। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। शेख अयाज, हु इज अ ग्रेट पोएट ऑफ सिंधी भाषा, हैज मेंशन अबाउट सच एन इंसिडेंट इन हिज बायोग्राफी। नाउ हियर जिक्र मींस ही हैज मेंशनड, आत्मकथा मींस एन ऑटोबायोग्राफी, सॉरी इट्स नॉट बायोग्राफी इट्स ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने लिखा है, एक दिन इनके उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। ही हैज रिटन, One day his father returned from the well after taking bath. Kue means well, nahakar means after taking bath. Ma ne bhojan parosa. His mother served food. Unhone jaise hi roti ka kor toda, unki nazar apni baju par padi. And the father, as he was, the moment he tore a piece of the roti or chapati to eat it, he just saw or had, he just looked at his hands, baju means hands. वहां एक काला चिउंटा रेंग रहा था। There was a black ant crawling on his hand. चिउंटा means ant, रेंग रहा था means it was crawling.
भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। ही जस्ट लेफ्ट हिज फूड एंड ही स्टूड अप। माँ ने पूछा, क्या बात है? मदर आस्क्ड, व्हाट इज द मैटर? भोजन अच्छा नहीं लगा? यू डिडंट लाइक द फूड? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं ये बात नहीं है। नो नो, दिस इज नॉट द मैटर। शेख अयाज फादर सेड, नो दिस इज नॉट द मैटर। मैंने एक घर वाली को बेघर कर दिया है। आई हैव मेड समवन होमलेस। बेघर मीन्स होमलेस। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू लीव दैट होमलेस पर्सन इन हिज हाउस नियर द वेल। हियर चिल्ड्रन, बेघर मीन्स होमलेस, कुएं मीन्स वेल। छोड़ने जा रहा हूं मीन्स आई एम गोइंग टू लीव इट देयर। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। इन बाइबल एंड अदर होली स्क्रिप्चर्स, पावन मीन्स होली, ग्रंथ मीन्स स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट, देयर दे मेंशन अबाउट अ मैसेंजर हुज नेम वाज नूह। पैगंबर मीन्स मैसेंजर। उनका असली नाम लश्कर था। हिज रियल नेम वाज लश्कर। लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया है। बट अरब्स हैव यू नो ट्राई टू रिमेंबर हिम इन द पोजिशन और नेम ऑफ नूह। लकब मीन्स इट्स अ पोजिशन, इट्स अ नेम ऑफ अ पोजिशन। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। नाउ दे हैव नेम्ड हिम सो जस्ट बिकॉज ही वॉज क्राइंग ऑल हिज लाइफ। नाउ चिल्ड्रन यू माइट बी वंडरिंग व्हाई ही इज क्राइंग। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नाउ नूह वॉज क्राइंग ऑल हिज और लश्कर ही वॉज क्राइंग ऑल हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ एन इंजर्ड डॉग। जख्मी मीन्स इंजर्ड, कुत्ता मीन्स डॉग। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नाउ दे आर टेलिंग व्हाई ही इज क्राइंग थिंकिंग अबाउट दैट इंजर्ड कॉट सॉरी डॉग। वन डे अ हर्ट और इंजर्ड डॉग पास्ड फ्रॉम फ्रंट ऑफ नूह। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। नूह ही जस्ट रेप्रिमेंडेड इट और स्पोक इंसल्टिंगली टू द डॉग सेइंग, गो अवे फ्रॉम हियर यू बैड डॉग। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। इन इस्लाम डॉग्स आर कंसिडर्ड टू बी डर्टी और बैड। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया। द डॉग हर्ड हिज रेप्रिमेंडेड व्हेन ही रेप्रिमेंडेड हिम एंड ही आंसर्ड, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। आई एम नॉट अ डॉग बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी वन, नाइदर यू आर अ मैन जस्ट बिकॉज यू लाइक्ड टू बी अ मैन। इट इज ऑल इन गॉड्स हैंड। बनाने वाला सबका तो वही एक है। The creator of all of us is one and the same. मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। Now here the author he wants to say that all creatures are made up of mud and in the end they all will mix with mud. Nature has considered everyone to be equal, whether it's a man or it's a bird or it's an animal. In the end, they are all going to mix with mud. So the feeling that the man has, that I am superior to others, it is baseless. Because from the mud, nobody can make out which remains of which animal is mixed in it. So here, the author wants that since the creator has created everybody equally, we also, in spite of being from different races, we should always consider everything, everyone to be equal, all the creatures on this earth to be equal. Noah ne jab uski baat suni aur dukhi ho muddat tak rote rahe. Now Noah, when he heard the dog talking about this, he felt very sad. He felt bad about the proud that he had shown, and he kept on crying for a long time. Muddat tak means for a long time. Mahabharat mein Yudhishthir ka jo ant tak saath nibhata nazar aata hai, vah bhi pratikatmak roop se ek kutta hi tha. In Mahabharat also, in a symbolic way, the only person who was seen
टू बी विथ युधिष्ठिर टिल द एंड ऑफ हिज जर्नी वॉज अ डॉग. हियर साथ निभाता नजर आता है मीन्स हू सीन टू बी विथ हिम थ्रू आउट. प्रतीकात्मक रूप में मीन्स इन अ सिंबॉलिक वे. सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था. एवरीबडी एल्स लेफ्ट हिम वन बाय वन एंड दैट डॉग इट वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज गिविंग हिज पीस टू हिज लोनलीनेस. एकांत मीन्स लोनलीनेस, शांत मीन्स पीस. दुनिया कैसे वजूद में आई. हाउ डिड द वर्ल्ड कम इन टू एग्जिस्टेंस. वजूद में आई मीन्स कम इन टू एग्जिस्टेंस. पहले क्या थी, वॉट वॉज इट बिफोर. किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई. फ्रॉम विच पॉइंट डिड दिस वर्ल्ड्स जर्नी स्टार्ट. बिंदु मीन्स पॉइंट, स्पॉट. इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से. द आंसर टू दीज क्वेश्चन इज गिवन बाय साइंस इन इट्स ओन वे एंड बाय द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इन देयर ओन वे. संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है. लेट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड बी इन एनी वे. संसार की रचना मीन्स क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. लेट इट बी इन एनी वे बट द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू एनी वन पर्सन और इन एनी थिंग एनी वन क्रीचर. पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है. बर्ड्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड सी, एवरीबडी हैज इक्वल शेयर इन इट. बराबर मीन्स इक्वल, हिस्सेदारी मीन्स शेयर. यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं. इट इज अ डिफरेंट थिंग दैट इन दिस शेयर द ह्यूमन रेस using his or her intellect has built big big walls. पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है. Before the entire world was like a family, but now it is divided into small small pieces and they have become away from each other. पहले बड़े-बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे. अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है. बिफोर पीपल यूज्ड टू स्टे जॉइंटली इन बिग बिग कोर्टयार्ड्स बट नाउ लाइफ हैज श्रंक इनटू स्मॉल बॉक्स लाइक हाउसेस. जीवन सिमटने लगा है मींस लाइफ हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग. दालानों, आंगनों मींस इन बिग कोर्टयार्ड्स. बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकना शुरू कर दिया है. The growing population has pushed the sea far back. Abadi means population. Piche sarakna shuru kar diya hai means it has started pushing the sea back. Pedon ko raston se hatana shuru kar diya hai. They have started removing trees from their path. Failte hue pradushan ne panchiyon ko bastiyon se bhagana shuru kar diya hai. And the spreading pollution has made the birds flee away from their settlements. Bastiyon se means from their settlements. Barudon ki vinash leelaon ne vatavaran ko satana shuru kar diya hai. And the destructive gunpowders have started troubling or disturbing the environment. Barud means gunpowder. Vinash leela means they're destroying games. Vatavaran means environment. Satana shuru kar diya means it has started disturbing, upsetting. That is why we have having the problem of global warming and all. Ab garmi mein zyada garmi, bevakt ki barsaate. Now in the summer season it's all the more hot. Untimely rain, bevakt means untimely. Zalzale, flood, selab, cyclones, tufan aur nit naye rog, storms and new diseases. मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है. दीस आर द रिजल्ट्स ऑफ द इम्बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर. असंतुलन मींस इम्बैलेंस, परिणाम मींस इट्स अ रिजल्ट. नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है. देयर इज अ लिमिट टू द टॉलरेंस पावर ऑफ नेचर. सहन शक्ति मींस टॉलरेंस, सीमा मींस लिमिट.
नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बॉम्बे निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। नेचर हैड शोन दैट इट हैज अ लिमिट टू इट्स टॉलरेंस पावर व्हेन फ्यू इयर्स बैक वी कुड सी अ स्पेसिमेन ऑफ दैट लिमिट एंड दिस स्पेसिमेन वाज सो स्केरी that the residents of Mumbai, they got really scared and they all started praying to God in their own places of worship. Now, what happened? By what incident or what was this specimen? This is what we are going to discuss about. Kai saalon se bade bade builder samundar ko peeche dhakel kar uski zameen ko hathiya rahe the. From the past many years, big builders, they were pushing the sea back and they were grabbing its land. Hathiya rahe the means grabbing. Bechara samandar lagatar simatta ja raha tha. And the sea, it was so sad that it was going on shrinking so that man could meet with his selfish motives. Pehle usne apni phaili hui tange sameti. First it shrunk its legs. Thoda simat kar baith gaya. And then again it shrunk and it sat down. That means it was further pushed backwards. It had much lesser place. Phir jagah kam padi to ukhdo baith gaya. Again, when it was pushed backwards, it had to just sit in a very shrunk way. Ukhdo baith gaya means in a place with very less space. Phir khada ho gaya. And then it got up so that it could take much lesser space. But then, जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी, when even the space for it to stand became less, then it became angry. Man, for his selfish motives, kept on pushing it further till it broke its limit. जो जितना बड़ा होता है, उसे उतना ही कम गुस्सा आता है. In general, big things do not get angry very easily. परंतु आता है, तो रोकना मुश्किल हो जाता है. But when they get angry, then it's very difficult to stop them. Aur yahi hua, and that is what happened. Usne ek raat apni leharon par daudte hue teen jahazon ko uthakar bachon ke games ki tarah teen dishaon mein phenk diya. One night, the sea became so angry that it picked up three big ships which were sailing on it. And just like children's ball, it threw these three ships in three different directions. Teen dishaon mein means in different directions. Ek varli ke samandar ke kinare par aake gira. One ship, it fell near the sea coast of Varli. Dusra Bandra mein Carter Road ke saamne Andhe Muh. And the other one fell on Carter Road of Bandra upside down. Andhe Muh means upside down. और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना एंड द थर्ड वन इट फेल ऑन इंडिया गेट इन मेनी पीसेस एंड इट बिकेम अ सीन फॉर द टूरिस्ट सैलानी मींस टूरिस्ट नजारा मींस अ व्यू और सी बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं रहे इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग अ लॉट दे कुड नॉट ब्रिंग or put these ships back to sea because they were damaged to that extent. So this shows how nature tolerates to an extent. After that, it just breaks upon us. Meri maa kehti thi, suraj dhale, aangan ke pedon se patte mat todo, ped roenge. My mother used to say, once the sun sets, do not pluck the leaves from the courtyard, from the trees which are there in the courtyard. Suraj dhale means after the sun sets. Aangan ke ped means those who are there in the courtyard. Diya batti ke vak, phoolon ko mat todo. Phool bad dua dete hain. During the time when we light the lamp after the sun sets, we should not pluck flowers. They will curse us. दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो When you go to the river,
सैल्यूट द रिवर बिकॉज दे आर गिविंग लाइफ टू अस। वह खुश होता है, द रिवर बिकम्स हैप्पी। कबूतरों को मत सताया करो, डू नॉट ट्रबल द पिजियंस। वे हजरत मोहम्मद की अजीज हैं, दे आर वेरी डियर टू हजरत मोहम्मद। अजीज मीन्स वेरी डियर। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। हजरत मोहम्मद हैज गिवन देम परमिशन टू बिल्ड और टू मेक देयर नेस्ट ऑन द ब्लू डोम ऑफ देयर टूम। मजार मीन्स टूम, नीले गुंबद मीन्स ब्लू डोम, घोंसला मीन्स नेस्ट। इजाजत दे रखे मीन्स ही हैज परमिटेड देम। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, प्लीज डू नॉट ट्रबल द कॉक। वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। इट वेक्स अप एवरीबडी इन द कम्युनिटी इवन बिफोर मुल्ला जी कैन अवेक ऑल द पीपल। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। Here, the author wants to give the message that, you know, religion should not bring differences among us. Actually, that is only a weight of each and every person to pray to their God. The prayers that each and every one of us have is the same. It's only that our ways are different. Just like a Maulvi who goes to the mosque and he, you know, gives speeches which makes everybody happy, peaceful and pure. Same way, even the koel or the bird, nightingale, it sings songs in the garden. It does not sing for people of one particular religion or only for one set of people. It sings and everybody becomes happy and peaceful by listening to its song. So here, the author wants to give the message of brotherhood, saying that we should all remove the differences, religious differences among us and live like brothers and sisters. Gwalior mein hamara ek makan tha. In Gwalior, we had a house. Makan means house. Us makan ke dalan mein do roshan dan the. In the courtyard or the balcony of that house, there were two ventilators. Children, roshan dan means ventilators. उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना दिया था। In that, a couple of pigeons had made their nest. एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। Once, a cat pounced on it and broke one egg among the two. That was there in the nest. उचक्कर means by pouncing. मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। When my mother saw that, she became sad. उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। She got onto a stool and tried to save the other egg. लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। But in that, you know, effort, the other egg fell from her hand and it broke. कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। And the pigeons, they were fluttering here and there in desperation. फड़फड़ा रहे थे means they were fluttering. उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। Seeing them so sad, my mother started crying. इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। Here रोजा means fasting. Now she felt she had done a big mistake and she wanted God to forgive her for that mistake. That is why she fasted for the whole day. Din bhar kuch khaya piya nahi. She did not eat or drink anything the whole day. Sirf roti rahi. And she kept on crying aur baar baar namaz pad pad kar khuda se is galti ko maaf karne ki dua mangti rahi. And she kept on reading namaz every now and then and kept on praying to God to forgive her for this mistake of hers, which she had committed unknowingly. Gwalior se Mumbai ki duri ne sansar ko kafi kuch badal diya hai. Like it has changed the world to a great extent, the distance of Gwalior from Mumbai. Warsawa mein, jahan aaj mera ghar hai,
पहले यहाँ दूर तक जंगल था। इन वर्सोवा वेयर द ऑथर्स हाउस वॉज देयर बिफोर लॉन्ग बैक देयर वॉज अ बिग फॉरेस्ट देयर। जंगल मीन्स फॉरेस्ट। पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। देयर वर लॉट्स ऑफ ट्रीज, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। नाउ हियर नियर द सी कोस्ट देयर इज अ वेरी लार्ज कम्युनिटी और सेटलमेंट। बस्ती मीन्स कम्युनिटी और सेटलमेंट। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। गॉड नोज हाउ मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव लॉस्ट देयर हाउस जस्ट बिकॉज दिस सेटलमेंट वॉज मेड देयर और सेटल्ड देयर। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं। मेनी ऑफ देम हैव लेफ्ट द सिटी एंड गॉन। जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। एंड दोज बर्ड्स एंड एनिमल्स विच कुड नॉट गो एनीवे दे हैव मेड देयर सेटलमेंट्स हियर एंड देयर। इनमें से दो कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना दिया है। अमंग देम टू पिजन्स हैव मेड देयर और बिल्ट देयर नेस्ट इन द स्कैफोल्डिंग ऑफ माय फ्लैट। मचान मीन्स स्कैफोल्ड। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। नाउ द चिल्ड्रन ऑफ दोज पिजन्स आर वेरी स्मॉल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड देम इज ऑफ द एल्डर पिजन्स। जिम्मेदारी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं। इन अ डे दे कीप कमिंग एंड गोइंग मेनी टाइम्स। और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। एंड वाई शुड दे नॉट कम एंड गो, आफ्टर ऑल द हाउस बिलोंग्स टू देम एज वेल। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। बट जस्ट बिकॉज दे कीप कमिंग एंड गोइंग वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एज वेल। परेशानी मीन्स प्रॉब्लम्स। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं। समटाइम्स दे जस्ट ड्रॉप समथिंग एंड ब्रेक इट। कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। समटाइम्स दे गेट इनटू द ऑथर्स लाइब्रेरी एंड स्टार्ट ट्रबलिंग कबीर एंड मिर्जा गालिब इन द सेंस दैट दे कीप दे माइट बी टेयरिंग द बुक्स ऑफ दीस ऑफ कबीर एंड मिर्जा गालिब। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। नाउ बिकॉज शी वॉज डेस्परेट और अपसेट विद दिस एवरीडे प्रॉब्लम, व्हाट माय वाइफ डिड इज वेयर द बर्ड्स हैड बिल्ट देयर हाउस, आशियाना मींस देयर नेस्ट, शी पुट अ नेट देयर। जाली मींस नेट। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। And she just put their children on the other side where they can come and meet their children. उनके आने की खिड़की को भी बंद किया कर दिया जाने लगा है। Even the window through which they keep coming and going, it was going to be closed. खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। Now outside the window, both the pigeons throughout the night they sit there silently and in a very sad way. Khamosh means silent, udas means sad. Magar ab na Solomon hai jo unki zuban ko samajh kar unka dukh baante, na meri maa hai jo inke dukhon mein sari raat namazon mein kaate. Now the author says neither Solomon is there who can understand their language, nor people like my mother are there who feel sad for their sadness and they spend their entire night in reading namaz because they feel they've done some injustice to the poor animals or birds. Nadiya sinche khet ko tota kutre aam, suraj theke dar sa sabko baante kaam. Now here in these stanzas the author wants to give a message that the river, it irrigates the fields of all the people. It does not see who does that particular field belong to. Tota kutre aam, and the parrot, it pecks the mango or it eats the mangoes
it doesn't bother whomever it belongs to, whichever religion of people it belongs to. Same way, the sun, you know, as if it is responsible for waking up every day morning, it has a routine, it wakes up everybody, it doesn't see, doesn't wake up only a particular community of people. It wakes up everybody and it inspires them to start their day. Same way, we all should be very loving. We all should live for each other. There should be no inequalities. It's a beautiful message that the author has given. I think all the incidents in the story also really, you know, it makes us think. So children, I hope you all enjoyed. Let me know if you have any doubts. Okay? Children, these are the question answers of this lesson, and my personal suggestion, which I found it very useful, is that in the exams, as you know, this time you're going to get all MCQs. But still, what you should be doing is, whatever question answers are there in the exercise, please go through them. You need not memorize the long question answers. But then if you go through the question answers, you will get prepared for many of the MCQs that might come in the exam. So in case you want the answers of these, please do let me know. Otherwise, just let me know if you want explanation of these questions also. I just wanted to tell you that please just attempt all the answers to all these questions after understanding the lesson and see if you're able to answer them. Even the long answer questions, if you have those answers with them, go through them. You might get some MCQ from among those long answer questions. So, all the best for your exams from RevoraTube, and take care and stay safe and stay healthy. Bye-bye, children.